विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में रन मशीन कहे जाने वाले टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने साल 2008 में वनडे डेब्यू किया था। उसके बाद से ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी विराट का बल्ला जब चलता है तो किस कदर विरोधी गेंदबाजों की रूह कांपने लगती है, इसकी एक झलक एशिया कप में देखने को मिली जब विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ धुआंधार शतक ठोक दिया था। एक तरफ जहां 33 साल की उम्र में आज भी विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तीन क्रिकेटर तो ऐसे हैं जो विराट कोहली से भी छोटे हैं, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म हो गया और वो आज बुजुर्गों की सीरीज कही जाने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेल रहे हैं। देश में इन दिनों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेली जा रही है जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, जॉन्टी रोड्स, तिलक रत्ने दिलशान जैसे तमाम क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और इन तमाम क्रिकेटर्स की उम्र 40 पार है। लेकिन यकीन मानिए, इसी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में तीन क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो विराट कोहली से भी छोटे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो आज रिटायर क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं। और इनमें सबसे पहला नाम है बांग्लादेश के क्रिकेटर अबुल हसन का, जिनकी उम्र महज 30 साल है और इतनी कम उम्र में अबुल हसन बांग्लादेश लीजेंड्स टीम की ओर से रिटायर क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं। अबुल हसन बांग्लादेश, उम्र 30। अबुल हसन ने 21 नवंबर 2012 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। अबुल हसन ने 16 मार्च 2013 को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। महज 3 टेस्ट खेलने वाले अबुल हसन के नाम एक शतक के साथ 166 रन और 3 विकेट हैं। 2012 में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ अबुल हसन ने वनडे में डेब्यू किया था। 2018 में श्रीलंका के खिलाफ अबुल हसन ने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। 7 वनडे में बांग्लादेश के युवा खिलाड़ी अबुल हसन के नाम महज 11 ही रन है। अबुल हसन ने 2012 में आयरलैंड के खिलाफ T20 डेब्यू किया था। जून 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ हसन ने अपना आखिरी T20 मैच खेला। 5 T20 मैचों में अबुल हसन के नाम 14 रन और 4 विकेट है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बांग्लादेश के इस युवा बल्लेबाज को अंतर्राष्ट्रीय करियर में ज्यादा मौके नहीं मिले, शायद इसी वजह से उन्होंने बेहद कम उम्र में संन्यास ले लिया और आज लीजेंड्स लीग में खेल रहे हैं। अभिमन्यु मिथुन, टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस जैसी टीमों के साथ भी खेल चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। 32 साल की उम्र में जब तमाम क्रिकेटर्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं तो अभिमन्यु मिथुन संन्यास लेकर लीजेंड्स लीग में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभिमन्यु मिथुन, भारत, उम्र 32। जुलाई 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अभिमन्यु मिथुन ने टेस्ट डेब्यू किया। जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच अभिमन्यु मिथुन का आखिरी टेस्ट था। 4 टेस्ट मैचों में अभिमन्यु मिथुन के नाम 120 रन और 9 विकेट हैं। फरवरी 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिथुन ने वनडे डेब्यू किया था। दिसंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच मिथुन का आखिरी वनडे था। 5 वनडे मैचेस में अभिमन्यु मिथुन के नाम 51 रन और 3 विकेट हैं। 2009 में आरसीबी के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया। 2013 में आरसीबी के लिए खेलते हुए केकेआर के खिलाफ मिथुन ने आखिरी मैच खेला। 16 मैचों के आईपीएल करियर में अभिमन्यु मिथुन के नाम 34 रन और 7 विकेट हैं। वनडे में 1 साल, टेस्ट में 1 साल और आईपीएल में 4 साल तक खेलने वाले अभिमन्यु मिथुन की उम्र विराट कोहली की उम्र से भी कम है, लेकिन वो आज सचिन, जयसूर्या जैसे रिटायर खिलाड़ियों के साथ लीजेंड्स लीग में इंडिया लीजेंड्स टीम के लिए खेल रहे हैं। चतुरंगा डी सिल्वा, भारत में खेली जा रही रोड सेफ्टी लीजेंड्स लीग में विराट कोहली से कम उम्र का एक और खिलाड़ी खेल रहा है जिसका नाम है चतुरंगा डी सिल्वा। श्रीलंका के इस युवा खिलाड़ी की उम्र 32 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र के बावजूद चतुरंगा डी सिल्वा लीजेंड्स लीग में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चतुरंगा डी सिल्वा, श्रीलंका, उम्र 32। चतुरंगा ने फरवरी 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। फरवरी 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच चतुरंगा का आखिरी वनडे था। 7 वनडे में चतुरंगा डी सिल्वा के नाम 94 रन और 5 विकेट हैं। अक्टूबर 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ चतुरंगा ने पहला T20 मैच खेला। दिसंबर 2017 में भारत के खिलाफ चतुरंगा ने अपना आखिरी T20 खेला। महज 2 T20 मैच में चतुरंगा डी सिल्वा के नाम 22 रन है।
ये आंकड़े बता रहे हैं कि श्रीलंका युवा क्रिकेटर चतुरंगा डी सिल्वा को अंतरराष्ट्रीय करियर में ज्यादा मौके नहीं दिए गए। टेस्ट में तो उन्हें डेब्यू करने का भी मौका नहीं मिला। अपने देश के लिए महज 2 T20 मैच खेल सके, शायद यही वजह है कि उन्होंने जल्द ही अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। और आज वो भी लीजेंड्स लीग रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में श्रीलंका लीजेंड्स टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं।